जी, इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क की एग्ज़ाम को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी हवाले से हमारा एक लास्ट पॉइंट था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ऐसी कंपनीज जो आपको इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि हमारे कंट्री में BTCL है, जैज़ है, यूफोन है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आपको कॉल्स की और इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, जो है आपकी कोई भी वेबसाइट है, जैसा कि फेसबुक है, या इस तरह से कोई, जैसे कि 22digikhan.com है, बोर्ड की वेबसाइट है, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स इंटरनेट में हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो बेसिकली वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, यानी कि जैसे कि मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ हुआ है, तो इसी तरह से अगर ये एक मालूमात मैं इंटरनेट पर रीड कर रहा होता तो ये पेज जो है एक वेब पेज कहलाता। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट पर काफ़ी सारे नंबर ऑफ वेब पेजेस जो है वो मौजूद होते हैं, जिन पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस और मालूमात आ रही होती है। उन पर आपका टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, या किसी भी तरह का डाटा उस वेब पेज पर शो किया जा रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडिविजुअल की तरफ से। डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट जो है किस मकसद के लिए, किस डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है। तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये जो वेबसाइट है वर्ल्ड वाइड एक्सेस की जा सकती है, यानी कि इसका ये नहीं होगा कि आप पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और कंट्री में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये चलेगी और किसी कंट्री में नहीं चलेगी। तो वर्ल्ड वाइड वेब ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको आप वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट्स बनाई किस चीज़ में जाती हैं? तो वेबसाइट्स के जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML। बेसिकली HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो टैग्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है? और इसके मुतलिक जो कंप्लीट मालूमात है वेब डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ाई जाएगी आपको। तो फिल वक्त आप इतना जहन में रखें कि इंटरनेट की हेल्प से जब हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं और उस वेबसाइट पर कुछ नंबर ऑफ वेब पेजेस जो है वो हमें जाहिर होते हैं, नज़र आते हैं, तो उन वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए, उनका ग्राफिकल लेआउट बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं HTML, ठीक है? और इसी की हेल्प से हम उस वेब पेज पर पिक्चर्स और साउंड्स वगैरह जो है वो इम्बेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है, HTTP। तो HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो आपको वो वेबसाइट शो करवा रहा होता है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि देखें आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, और जो वेबसाइट आप सर्च कर रहे होंगे उसके मुतलिक जब आप लिखते हैं www.abc या जो भी आप एड्रेस लिखते हैं, तो वो एड्रेस बेसिकली एक सर्वर की जानिब सबमिट होता है। सर्वर उस एड्रेस के मुताबिक उस वेबसाइट को सर्च करता है, सर्च करके वो डाटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तक भेजा जाता है। तो ये काम बेसिकली आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर रहा होता है, यानी कि ये प्रोटोकॉल आपकी उस वेबसाइट को उस सर्वर से फैच करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक जो है वो ट्रांसफ़र करा रहा होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, बेसिकली जो वेबसाइट आप एड्रेस लिख रहे हो, तो जैसे कि अगर आप ये देखें कि ये एक हमारे पास एक एड्रेस है, जैसे कि ये देखें आ रहा है http://www.microsoft.com/catalogs/navigation.asp। बेसिकली ये कंप्लीट जो एड्रेस है, इस कंप्लीट एड्रेस को हम वेब एड्रेस या URL एड्रेस कहते हैं, या URL कहते हैं, ठीक है? जिसमें आप देखें सबसे पहले HTTP यानी कि प्रोटोकॉल आ रहा है, फिर WWW आ रहा है यानी कि ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड एक्सेस की जा सकती है, फिर डॉट लगाया गया है, डॉट के बाद माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है यानी कि ये इस वेबसाइट का नाम है या इसका डोमेन नेम है।
उसके बाद डॉट कॉम यानी कि ये इसकी एक्सटेंशन है कि ये कमर्शियल वेबसाइट है। इस तरह से अगर ये एजुकेशनल वेबसाइट होती तो डॉट ईडीयू आ जाता। स्लैश कैटलॉग यानी कि अब ये इस वेबसाइट पर जाके इसके इस ऑप्शन में जाएगा, इस डायरेक्टरी में जाएगा और उस डायरेक्टरी के अंदर फर्दर जाके ये नेविगेशन का पेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो इस टॉपिक के अंदर जो अहम पॉइंट्स हैं वो यही थे जो मैंने आपको समझा दिए। यूआरएल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल, फिर www, फिर उसका नाम वेबसाइट का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है या जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे होंगे। उसके बाद एक्सटेंशन यानी कि नेचर ऑफ वेबसाइट बताता है, डोमेन बताता है उस वेबसाइट की, और लास्ट पे कोई डायरेक्टरी या वेब पेज का एड्रेस दिया जा रहा होता है। उसके बाद फर्दर इस टॉपिक में ईमेल के मुतालिक बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिकली जो आप मैसेजेस को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल कहते हैं। उस ईमेल में आप टेक्स्ट, डाटा, ग्राफिक्स, साउंड, ऑडियो, वीडियो कोई भी चीज़ जो है वो भेज सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर फाइल भेज सकते हैं, कोई ऑफिस रिलेटेड फाइल भेज सकते हैं। उसके बाद हम जो है हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिनमें फीचर्स या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईमेल। तो ईमेल एक तेज़ तरीन तरीका है मालूमात को, डॉक्यूमेंट्स को या सॉफ्टवेयर को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए, और एक ही वक्त में आप जो है काफ़ी सारे लोगों की तरफ डाटा भेज सकते हैं। ईमेल जो है एक सस्ता तरीन जरिया है मालूमात या डाटा को शेयर करने का, और ईमेल के ज़रिए हम मल्टीपल टाइप्स के डाटा को जो है वो भेज रहे होते हैं। और ईमेल मैसेज में दो हिस्से होते हैं, एक मैसेज और एक हेडर यानी कि जिसमें आप एड्रेस बता रहे होते हैं सेंडर या रिसीवर का। उसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस की एग्जांपल दी जा रही है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आपने भी लोगों ने भी ईमेल बनाई भी होंगी। तो उसमें ये जो ए का साइन होता है इसको हम बोलते हैं एट द रेट, ठीक है। और आगे जो gmail.com ये इस तरह से आ रहा होता है वो डोमेन नेम होता है, और इससे पहले आपका आईडी आ रहा होता है जैसे कि लेट्स से कि अली एट द रेट ऑफ gmail.com, तो अली उसका लॉगिन नेम हो गया, ये एट द रेट का साइन हो गया, और ये gmail.com जो है ये उसका डोमेन नेम हो गया। सर्च इंजन्स क्या होते हैं जी? जिनकी हेल्प से आप डिफरेंट तरह के वेब एड्रेसेस को और इंटरनेट पे मौजूद टॉपिक्स या कंटेंट्स को सर्च आउट कर रहे होते हैं, जैसे कि गूगल है या इस तरह से काफ़ी सारे हमारे पास ओपीरा है और भी काफ़ी सारे जो है वो सर्च इंजन्स मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरनेट का टॉपिक www और नेटवर्क से रिलेटेड जो एक बेसिक नो हाउ थी वो इस टॉपिक में मैंने आपको कवर अप कर दी है। तो काइंडली इसको रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जो है प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।